तो हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप लोग होंगे गाइस। सो स्क्रीन पे आप लोगों ने एक वीडियो देखा है गाइस, अभी भी स्क्रीन पे जो कि शो हो रहा है गाइस, कुछ इस टाइप का जो वीडियो के बैकग्राउंड में टेक्स्ट इफेक्ट वाली जो वीडियो है गाइस, इंट्रो के लिए काफी ज्यादा फेमस इफेक्ट है गाइस। और इस टाइप का जो इफेक्ट काफी ज्यादा ब्लॉग चैनल पे यूज होता है, जैसे कि पहाड़ी वाले ब्लॉग भाई ने इस टाइप का जो इंट्रो को काफी ज्यादा ही यूज किया गया और बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद भी आता है। हर कोई सोचता है कि इस टाइप का वीडियो को कैसे बनाया जाए। तो आज के वीडियो में मैं इसी टाइप का एडिटिंग वीडियो बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस टाइप का वीडियो इफेक्ट को काइनमास्टर के अंदर बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली ट्रिक से गाइस। और गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को जब से लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आगे वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेता हूं स्टार्ट। सो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली गाइज। तो ये वाली जो वीडियो को ध्यान से देखना गाइज, आज का वीडियो में मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल के बहुत ही ज़्यादा एडवांस वीडियो एडिटिंग बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो में बताया है गाइज। सो सबसे पहले आपको अपना जो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है गाइज। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना, देना आपको जो वीडियो रेशियो है गाइज, उसी वीडियो रेशियो को मतलब उसी फ्रेम को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं 16:9 वाले फ्रेम को सेलेक्ट करने वाला हूँ गाइज। तो अधिकतर वीडियो इसी पर शूट होता है गाइज, ब्लॉग वाली वीडियो, तो इसी पे आपको सेलेक्ट कर लेना। देन आपको यहाँ पर अपना जो वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पर मीडिया वाले जो फाइल देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना और अपना वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेना गाइज। सो हालांकि मैं अपना जो वीडियो क्लिप्स है इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। देन इंपोर्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वीडियो कुछ इस टाइप से है गाइज। और मैंने अपना ये जो वीडियो क्लिप्स है गाइज पहाड़ी वाले भाई ब्लॉग से ही निकाला है गाइज। तो कुछ इस टाइप से वीडियो को आपको निकाल लेना क्लिप्स को गाइज। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है गाइज, जब भी आप ब्लॉग पहाड़ी वाले भाई का ब्लॉग वीडियो देखोगे और जो भी टेक्स्ट इफेक्ट देखोगे वो ज़्यादातर आपको स्काई के ऊपर ही देखने को मिलता है गाइज, क्योंकि स्काई के ऊपर ये जो टेक्स्ट इफेक्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है गाइज। सो और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। तो इसीलिए आप देखोगे गाइज इसका इनका जो ब्लॉग का वीडियो होता है गाइज, अधिकतर जो स्काई के ऊपर ही टेक्स्ट को इफेक्ट लगता है गाइज। तो आपको भी लगाने के लिए आपको इस टाइप से वीडियो को शूट कर लेना है स्काई के सामने से गाइज, जैसे कि आपका बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का दिखे स्काई के ऊपर, ठीक है, स्काई के ऊपर शूट कर लेना। देन आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो यहाँ से क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना और इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो वीडियो है गाइज, इसको आपको क्लिक करना है ऐसे और इसको फुल स्क्रीन कर लेना, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज यहाँ से कट मतलब डन कर लेना। देन आपको गाइज यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में जाना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर आपका यहाँ पर जो भी आपको नाम लिखना है वो नाम को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना जो चैनल का नाम लिख लेता हूँ गाइज, आपको अगर अपना ब्लॉग का नाम लिखना है या माय फर्स्ट ब्लॉग या कुछ भी आपको लिखना है तो इसे आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना चैनल का ही नाम लिख के दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पर जैसे केवी, ठीक है, ये तो इस टाइप से लिख लेना और इसको बहुत ही ज़्यादा जूम कर लेना स्काई के अनुसार, मतलब आपका जो पहाड़ी के अनुसार। देन आपको यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, कोई भी यहाँ पर फॉन्ट को ले सकते हैं, मोटे मोटे फॉन्ट थोड़ा लेना, मतलब थोड़ा मोटा टेक्स्ट का जो इफेक्ट है थोड़ा मोटा दिखना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से मैंने रोबोटो ब्लैक को ले लिया। देन आपको यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद हमारा जो वीडियो कुछ इस टाइप से है देख सकते हो, और इसको यहाँ से जूम कर लेना। और जूम करने के बाद गाइज यहाँ से आपको क्या करना होगा गाइज, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना ऐसे। यहाँ पर मैं आपको दो इफेक्ट बनाकर दिखाऊंगा, सो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। और ये जो टेक्स्ट इफेक्ट का जो लेयर है गाइज, इसको ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना वीडियो के क्लिप के अनुसार गाइज। सो यहाँ से मैं इतना दूर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा गाइज, सो थोड़ा सा यहाँ वीडियो ध्यान से देखना। सो गाइज यहाँ पर ये जो वीडियो लेयर है, मतलब जो अपना टेक्स्ट लेयर है, इसको क्लिक करना, देन थ्री डॉट पर क्लिक करना और सेंड टू बैक वाली जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेनी है गाइज। सो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना और सेंड टू बैक वाली जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, तो आपका टेक्स्ट हो जाएगा गायब। अब कहाँ गायब हो गया आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको लाने के लिए ये जो टेक्स्ट गायब हो गया, तो इसको फिर से रिटर्न लाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो वीडियो लेयर है गाइज जो कि आपने डुप्लीकेट लेयर किया था उसी को आपको क्लिक करना। देन आपको जो क्रोमा की वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना, इनेबल कर लेना क्रोमा की को। देन आपको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेनी है गाइज, और ये बहुत ही सही ढंग से एडजस्ट होना चाहिए गाइज, तभी जाके ये जो टेक्स्ट इफेक्ट बहुत ही बराबर ढंग से लगेगा गाइज। और यहाँ पर की कलर जो है गाइज, उसको आपको स्काई के अकॉर्डिंग कलर को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट दिया है गाइज, तो इसको सही ढंग से एडजस्ट कर लेना। सो आप देख ही सकते हो गाइज, यहाँ पर अगर आप सही ढंग से एडजस्ट करते हो तो आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट है गाइज काफ़ी ज़्यादा 3D टाइप से दिखेंगे गाइज, और काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक दिखेगा गाइज। तो इस टाइप से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना गाइज, कुछ इस टाइप से ऐसे खींच के, ठीक है।
और इस टाइप से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, और इस टाइप से ही आपको जो वीडियो में देखते होंगे गाइज, इनके सारे वीडियोज में गाइज। सो यहाँ पर और एक मैं इफेक्ट आपको लगा के दिखाता हूँ, इसमें आप एक एनिमेशन इफेक्ट भी लगा सकते हैं जिससे कि वीडियो और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खास लगता है दिखने में गाइज। सो मैं आपको वो वाले भी इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ, हालाँकि ये तो नॉर्मल इफेक्ट हो गया गाइज। और एक जो एनिमेशन इफेक्ट है इसको लगाने के लिए आपको गाइज सबसे पहले तो यहाँ पर लेयर वाली जो जो टेक्स्ट लेयर है इस पर आपको क्लिक करना होगा गाइज। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना और यहाँ आपको इसको सबसे नीचे कर लेना, सबसे पहले तो छिपा देना पहाड़ के नीचे। उसके बाद यहाँ पर की वाले ऑप्शन मिल जाते, तो की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको ये जो लेयर है जिस पे लास्ट की ओर ले जाना। देन आपको यहाँ पर एक की वाले ऑप्शन लगा लेनी है और ये जो टेक्स्ट है ऊपर की ओर उठा देना इसे, ठीक है, जितना ऊपर उठाना है उतना ऊपर तक उठा देना। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं फर्स्ट की ओर आता हूँ। सो आपका जो वीडियो है कुछ इस टाइप का लगेगा दिखने में। तो सबसे पहले साउंड को ऑफ़ कर लेता हूँ गाइज, जो भी यहाँ पर वीडियो का साउंड है उस साउंड को मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ वीडियो प्ले करके, ठीक है। ये शो देख ही पा रहे हो गाइज वीडियो का जो एनिमेशन कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है गाइज हमारा यहाँ पर। सो कुछ इस टाइप से आप एनिमेशन कर सकते हो और ये जो टेक्स्ट को और भी ज़्यादा फास्ट आप ऊपर की ओर ले जा सकते हैं गाइज। ये थोड़ा की के ऊपर है गाइज, आप अपने की को एडजस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर फास्ट जाएंगे गाइज। तो इस टाइप से आप जो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते और भी ज़्यादा यहाँ पर खास कर सकते हो, अपना वीडियो को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो गाइज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हो। और यहाँ पर और एक इफेक्ट आपने देखा होगा गाइज, जो गाइज एडसेंस वाली आपने फोटो एक फोटो को ऐड करके आप उन्होंने दिखाया था गाइज, तो उस टाइप को ऐड करने के लिए आपको कोई भी एक फोटो को लाना है गाइज इस टाइप से, और यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना। तो इससे गाइज ये जो फोटो वाले इफेक्ट भी इस टाइप से आप पीछे पहाड़ी के पीछे ले जा सकते हो, मतलब स्काई के ऊपर अपना जो वीडियो के बैकग्राउंड में लगा सकते हो इस टाइप से। तो कुछ इसी टाइप का इफेक्ट को यूज करके उन्होंने अपना जो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एडवांस और खास बनाते हैं गाइज, देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं वीडियो। तो कुछ इस टाइप से आप भी एडिटिंग करके अपना जो ब्लॉगिंग वीडियो हो या अपना जो एडिटिंग वीडियो को और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हो, और ये अपने फ़ोन से ही आप कर सकते हो गाइज। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, और इस टाइप का वीडियो एडिटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए कोई वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।